हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रानी, आप देख रहे हैं रानी का इंडियन ब्लॉगर। तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो चलिए अंडा रोल बनाते हैं। और इस तरह से अंडा रोल बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है पराठा। और ये मैंने प्याज, और ये मेरा अंडा, और ये मेरे टमाटर सॉस। तो चलिए रेडी कर देगी, मेरी रेडी हो गई। तो चलिए आगे तैयार करते हैं। देखिए मैंने अंडा को खोल करके रखी हूँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, जिससे ब्लैक पेपर कहते हैं वो, और नमक मैंने उसमें ऐड करके रखी थी खोल करके। और मैंने ऑयल डाल दी। ऑयल डाल करके मैं ऐसे भुजिया टाइप का बनाऊँगी। तो देखिए आप देखते जाइए, और आप ज़रूर इस बार इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और आप इस तरह से आप भी बनाइएगा, आपको भी ये अंडा रोल बहुत ही अच्छी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत आसान है, कम तेलों में बन जाती है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये मैंने प्याज काट करके रखी हुई हूँ पहले, क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं जब बन जाते हैं, तो मम्मा मुझे भी चाहिए, मम्मा मुझे चाहिए। तो मैं पहले से ही सब रेडी करके रख देती हूँ। तो मैं प्याज में डाली हूँ सादा नमक और काला नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो भी मैं दिखा रही हूँ, ये सब मैं ऐड कर देती हूँ। और हाँ, मैं इसमें नींबू भी डाली हूँ। तो ये सब मैं मिक्स कर करके और एक साइड कर देंगे। देखिए हो गई मेरी, तो इसे भी रख देते हैं एक साइड में, जैसे कि मुझे पराठे में रोल करने में आसान होगा। और ये मैंने अंडा भाजी भी बना ली, बहुत ही ईजी है ना बनाना। और ये मेरा मैदा है, तो मैंने मैदा चाल ली थी, इसलिए मैंने नमक भी थोड़ी सी डाल दी, उसी के साथ मैंने इसे भी चाल दिया। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना, पराठा जो होते हैं ना बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो इसलिए मैं ऑयल इसमें डाला जाता है। और ज़्यादातर आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं, या फिर आधा आटा और आधा मैदा मिक्स कर सकते हैं। मैं पूरी मैदा से बना रही हूँ। तो आप अंदाजे से पानी इसमें ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये मेरी एक रोटी के टाइप का मुझे आटा गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये मेरी आटा भी तैयार होने वाली है, फिलहाल हो ही गई, एक दो बार और गूंद ले रहे हैं, एक दो अच्छे से इसे मसल ले रहे हैं, ताकि उस पराठे में कोई भी दरार ना आए, अच्छी पराठा बने। तो ये मेरी बन गई है, और मैं इसको लोई ले ले रही हूँ, ऐसे रोटी की नॉर्मली जितना आप रोटी बनाते हैं ना, आप उससे थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा। तो देखिए मैं लोई भी ले रही हूँ, देखा मैंने बड़ा नहीं ली हूँ, उसी साइज की थोड़ी सी बड़ी है रोटी की, इसे थोड़ी सी बड़ी होगी, और मैं इसे एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे बेल करके। अब चाहे तो आपका अगर प्लेटफॉर्म बड़ा है तो आप उस पर भी बना सकते हैं। मैं अभी चकला बेल पर बनाऊँगी, क्योंकि मेरा किचन काफ़ी छोटा है, जगह भी कम है। और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल, और इसमें पूरे अच्छे से घिस देंगे हाथों की मदद से। अगर आपके पास ब्रश है, आती है वो जो ऑयल लगाने वाली वो है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। और इस तरह से आप रोल बना दीजिए, आप देख सकते हैं। और इसे एक थोड़ा और लंबा कर देंगे। तो अब देखिए मैंने इसे लंबा कर रही हूँ रोल बना बना करके ही, और इसे हम गोल गोल घुमाएंगे जलेबी की तरह। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से घुमा देंगे, और ये जो बीच वाली उसको हम ऊपर में दबा देंगे, ताकि ये साइड से किनारे ना निकल जाए। तो है ना बनाना आसान, कितना आसान है, बहुत ईजी है। आप भी बनाइए और बताइएगा ज़रूर आपकी कैसी बनी पराठा। तो ये मैं बेल ले रही हूँ, और आपसे कहना चाहती हूँ
अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो ये है जो मैं रेडी कर रही हूँ एक, मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ, तो मैं दूसरा भी आपको दिखाऊंगी। तो अब बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़, ताकि मुझे भी हौसला मिलेगा जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो लोगों को कैसी लगती है। अच्छे या बुरे जो भी लगे मुझे बताइएगा। तो चलिए मैं दूसरे पराठे भी बना ले रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये मेरी दूसरी है और वो पराठा भी मेरा सीख रहा है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो मेरा सीख रहा है। बिल्कुल एकदम मीडियम लो फ्लेम पे मुझे पराठा बनाएंगे ताकि क्रिस्पी हो और अच्छे से पराठा चूर चूर हो जाते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं, मस्त लगते हैं। तो इसमें भी मैं ऑयल लगा लूँगी और ये मेरा दूसरा पराठा रेडी हो रहा है। तो उसको हम दिखाते हैं, देखिए एक तरफ से कितने अच्छे से लाल हो गए हैं। इसी तरह हम दोनों तरफ इसे दबा दबा करके एक चम्मच या फिर छन्नी की मदद से इसे बना लेंगे। अच्छे गोल्डन की तरह इसे लाल कर देंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। और बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा और खा करके देखिएगा तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे ही मिलते हैं बाहर, यानी होटल से आते हैं अंडर रोल, तो ऐसे रहते हैं। आप इस पराठे में आप जितना अच्छा से बटर से बनाइए या फिर घी से बनाइए, आपकी मर्जी रहता है। पर बाहर में बटर घी नहीं मिलता है, ऑयल से ही मिलता है। तो देखिए मेरा दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे भी बना करके दिखाऊंगी आपको। देखिए इस तरह से गोल गोल कर देंगे, इसे भी इसी तरह प्रेस करेंगे, थोड़ा इसे और लंबा कर देंगे। और इसे भी इसी तरह जलेबी की तरह सेम उसी प्रोसेस में घुमाएंगे। आपको जिस तरह का भी पराठा बनाना आपको चाहे, आप जिस तरह बनाना आपको अच्छा लगता है आप उस तरह बनाएं। तो मैं इस तरह में भी बनाती हूँ, एक और आता है लच्छे वाला वो भी बनाती हूँ, एक तीन कोना वाले भी बनाती हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से बनाइए। अगर आपको नहीं पता और कोई पराठे अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको रेसिपी बहुत जल्द दे दूँगे। कोशिश करूँगी ज़्यादा जल्दी से जल्दी करने की, जैसे कि अभी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। ठीक है, ये पराठा मेरी रेडी हो रही है और बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हैं कि बने और मम्मी मुझे देगी। तो एक बनाने से तो काम नहीं चलेगा, तो तीन बच्चों हैं, चार बच्चे, जितने बच्चे सबके लिए एक एक बनेगा तभी होगा। तो मैं बच्चों के लिए पहले बना लेते हैं, फिर सबको बना करके दे देंगे। तो ये मेरा बन गया है, ये हम आ गए हैं सारे के सारे पराठे लेकर के नीचे, और ये मैं सब लेकर के बैठी हूँ। और चलिए इसे हम रोल करके दिखाते हैं। आप चाहे तो इसमें चिल्ली सॉस भी लगा सकते हैं और टमाटर सॉस भी लगा सकते हैं आप पराठे में, उसके बाद अंडा डालते हैं और ऊपर से प्याज वगैरह, धनिया का पत्ता वगैरह बेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं। और पराठे में मैं चिल्ली सॉस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को देना है। और टमाटर सॉस बाबू ने बोला ऊपर से डालिएगा मम्मा, तो मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और ये है पेपर, जो मैं पेपर से इसे रोल कर देंगे तो वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है,
आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, देखिए। तो बच्चों बहुत ही शौक़ से खाएंगे और पूरे भरपेट खाना खा लेते हैं अगर इस तरह से घर पे ही बनाएंगे और छोटी मोटी चीज़ों से बना लेंगे और बच्चों के दे देंगे तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। देखिए उन्हें हम ये घर पे बनाए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे खाना खिलाने की कोशिश करें, बाहर से अच्छा रहेगा। अभी वैसे लॉकडाउन है तो बाहर का खाना खाना मुझे नहीं लगता है अभी के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से आप फोल्ड करके इस तरह से कीजिए और उसके बाद एक पेपर या किसी भी चीज़ से आप नॉर्मली पेपर जो आती है जो बच्चे को पेपर यूज करते हैं कॉपी, उसके पेपर से आप इसे लपेट दीजिए, बच्चों को हाथ में दे दीजिए, बच्चे खाते रहेंगे घूम घूम करके। तो मैं ऐसे करती हूँ, बनाती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खाते रहते मज़े से और पेट भी भर जाता है बच्चों को और हेल्दी भी है, न ज़्यादा तेल लगा इसमें और ना कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस मैदा है, अंडा है और कुछ भी मैं इसमें नहीं डाली हूँ जो बच्चे को कुछ नुकसान करेगा। तो आप भी बनाइए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी मेरी वीडियो और ये अंडा रोल, कमेंट में जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।